सबको पता है कि आज श्री श्री रामानंद राय की तिरुभाव तिथि है। ओके और श्री रामानंद राय जिनसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हुई शिक्षा ले रहे थे, भगवान का कहना है राधा रानी के सखी तो थे ही, चाहे ललिता हो विशाखा, इनमें से कोई थे। विशाखा करके ज्यादा मानते हैं, तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए ये भजन को गाते हैं। ऐसे मुझे और कोई भजन गाना था लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, आई एम ऑल्सो फर्स्ट टाइमर, सो इसलिए होगा नहीं, इसको छोड़ दिए। ओके राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशो, राधा जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने ओ जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशो, राधा कालिंदीर कुले कली कदम्बे रवन, कालिंदीर कुले कली कदम्बे रवन, रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन, रतन रतन बेदीर ऊपर बसाब दुजन, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशो, राधा श्याम गौरी अंगे दिव चंदन गंध, श्याम गौरी अंगे दी
चंदने रागंधस चामर दुलाब कबे हेरी मुख चंद्र चामर आ चामर दुलाब कबे हेरी मुख चंद्र चाम आ राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशो राधा गाथिया मालतीर माला दीब दोहार गले गाथिया गाथिया मालतीर माला दीब दोहार गले अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबूले अधरे तुलिया ए अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबूले आधा राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशो राधा ललिता विशाखादि जत सखी वृंद ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरण रविंद आज्ञाय आज्ञाय करीब सेवा चरण रविंद आज्ञा राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशो राधा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर नो दास श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर नो दास
सेवाभिलाषे नरोत्तम दास सेवा सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवा राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ये राधानाथ प्रभु इसमें बुक हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हमारा विशेष स्वागत है। महाराज बहुत समय के बाद वृंदावन धाम से निकले और सबसे पहले आए इस्कॉन पंजाबी बाग में, तो हम विशेष स्वागत करते हैं जरूरत भक्ति आश्रय वैष्णव साई महाराज का और उनके साथ आए हिज ग्रेस गोपेंद्र प्रभु का, हिज ग्रेस राधानाथ प्रभु का, हिज ग्रेस साक्षी माधव प्रभु का और भक्त मयंक वर्मा प्रभु का। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दो निवेदन है आप सब भक्तों से, एक अपने मोबाइल फोन चेक कर लीजिए कि साइलेंट पे हो या स्विच ऑफ हो, दूसरा आप अपने चेहरे को और नाक को मास्क से अवश्य कवर करके बैठिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा आज भक्त लोग हैं यहाँ पर। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस प्रोटोकॉल का अवश्य फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो श्री रामानंद राय put in English Sri Ramananda Rai Mahaprabhu sanyas lene ke baad mein sanyas lila ke baad mein jab puri gaye puri mein Mahaprabhu ka sabse pratham mahatvapurna lila hua sarvabhauma uddhar जगन्नाथ जी के दर्शन आलिंगन के बहाने में सार्वभौम को उद्धार कर डाले एक हफ्ता में महापंडित सार्वभौम जी जो उस जमाने में श्री जगन्नाथपुरी के राज पंडित थे मुख्य थे और जिनको केवल उत्कल के गजपति महाराज नहीं प्रजा तक और पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े संकरी सन्यासी हैं सब उनको बहुत भारी सम्मान देते थे बड़े दिग्गज विद्वान थे और महाप्रभु को उनको उद्धार करने के लिए केवल उनको स्टूडेंट बनना पड़ा स्टूडेंट का रोल निभाए विद इन वीक एक हफ्ता छात्र बने वो ऐसे छात्र बने कि सार्वभौम प्रभु तो निहाल हो गए सार्वभौम पंडित बोले या मैं जब तक टीचर बना हूं ऐसे छात्र में देखा नहीं था आगे कोई मिल गया कि नहीं पता नहीं लेकिन वो छात्र जो भी हो उनको उद्धार किए और बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया सार्वभौम के बीच में मैं कभी कभी कहता हूं उनका हेडलाइट स्पॉटलाइट दोनों चेंज हो गया हेडलाइट समझते ना हम लोग का ही हेड में जो लगाते हैं ऊर्ध्व पुंडरीक तिलक ये हमारा हेडलाइट है और क्या है हमारा पहचान है तो सार्वभौम जी का हेडलाइट ऐसा था त्रिपुंड्र था समान लेकिन उई दिन उइक ऐसे हो गया सब देख रहे हैं कि पंडित जी हो क्या गया और आप लोग तो सब पूरी गए होंगे पूरी के जो मेन मुख्य पुजारी वो गले में इतने मोटे सोने की चेन डालते थे सार्वभौम पंडित इतने मोटे डालते थे ऐसे तिलक ऐसे और ऐसे सिल्क के पहन रहे थे कपड़ा कोई भी जाएंगे उनको सम्मान करते थे वो आशीर्वाद देते थे लेकिन एक हफ्ता के बाद ये तो चेंज हो गया और ये स्पॉटलाइट जो गले में जो चेन था वो भी सोने के चेन निकल करके लकड़ी के माला आ गया आप लोग सब डालते ना लकड़ी वाले वो डाल दी तुलसी कंठी आ गया और भाव बिल्कुल परिवर्तन हो गया अभी किसको देखे आशीर्वाद क्या करे नमो नारायण करेंगे बड़े लोग को देख करके हरे कृष्ण कर रहे बिल्कुल हम्बल हो गए तो उनका एतादृश परिवर्तन साधारणतः कोई बहुत बड़े विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति समाज में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति का इतने जल्दी इतने डाउन परिवर्तन हो जाना प्राय नहीं देखा जाता ना ये तो लेकिन सार्वभौम पंडित स्वयं कहे अपने श्रीमुख से बोले मेरे हृदय ऐसे तर्क जड़ लौह पिंड था तर्क में वाद विवाद में इतने में एक्सपर्ट था मेरा हृदय तो लोह जैसा कठिन था स्टेनलेस स्टील की तरह जिसको ब्लास्ट फर्नेस के फायर भी मेल्ट नहीं कर सकता था इतने कठिन था लेकिन तुम्हारा क्या प्रचंड प्रताप है उसको पानी पानी कर दिया सचमुच पानी पानी कर दिया इसको देख करके ओडिशा के गजपति महाराज स्वयं राजा से लेकर के जितने बड़े बड़े पंडित और थे पूरे पूरी में जितने विद्वान थे सब आश्चर्यचकित हो बोले हो क्या गया सार्वभौम पंडित रेडिकल चेंज ये क्या हुआ पूछे सार्वभौम पंडित जी ये क्या हो गया आपके
तो उन्होंने बोले, अरे ये जो सन्यास आया ना, वो तो साक्षात नारायण है। क्या आप बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं सार्वभौम पंडित कोई इसी से बात कहेंगे नहीं, बहुत बड़े विद्वान है, और वो ठोस करके दावा करके बोलते हैं ये तो साक्षात कृष्ण है। तो कौन नहीं चाहेगा? कृष्ण जब आए हैं आपके बाजार में, पंजाब में कोई आकर है तो कौन नहीं देखना चाहेगा, बताओ, कोई मिलना नहीं चाहेगा? सारे बोले, सर हमको थोड़ा मिला दो यार, हम देखे। अरे हम देखे तो थे लेकिन हमको नहीं पता था, अरे ये है क्या। सब मिलना चाहे, महाप्रभु ठीक इसी समय से बहाना करके निकल गए दक्षिण भारत। कविराज गोस्वामी कहते हैं भगवान है, भगवान इतने आसान से दर्शन नहीं देते हैं, देते हैं, कृपालु तो है, महाकृपालु है। तो जो बड़े बड़े विद्वान भक्त लोग को उनको देखना चाहते थे, उनके अंदर उत्कंठा को और तीव्र तीव्रतर तीव्रतम करने के लिए, उत्कंठा को बढ़ाने के लिए भगवान दक्षिण भारत बहाना कर चले गए। बोले अब पके रहने दो, अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे नहीं मिलेंगे। 2 साल तक पक पक करके इतने उत्कंठा तीव्रतम हो जाए तब जाकर मिलूंगा। तो भगवान को कोई अगर भक्ति करना मिलना चाहे तो ऐसे ही होना चाहिए गाढ़। भगवान इसे पसंद करते हैं कि डिजायर शुड भी इतने लिमिट में आ जाए तब जाकर भगवान मिले, तब मजा भी आता है। अब भूख नहीं है, कोई खाना देता है ठीक है रख लो देखते हैं। अगर निर्जला एकादशी किए होंगे, द्वादशी के पारायण वो 10 बजे के बाद होगा, अब कैसे लगेगा? जो मिल जाए यार, अब मेनू फेनू नहीं देखेंगे, मेनू फेनू कुछ नहीं, अब जो आए उसको धार कर डाले तो ही है। तो भगवत मिलन का इच्छा जब इतने प्रबल होगा तब भगवत मिलन का असली आनंद प्राप्त होगा। तो भगवान चले गए, जाते समय में सार्वभौम पंडित जब महाप्रभु जाने के विचार किए तो उनके साथ में नित्यानंद जगन जो सब थे उनको तो कैसे कैसे समझा दिए, अपने मित्र थे, लेकिन सार्वभौम अभी नए भक्त बने हैं, वृद्ध थे, वयस्क थे, लेकिन इतने सीरियस डिवोटी बने थे, और उनसे परमिशन लेने के लिए गए। सार्वभौम पंडित तो पैर पकड़ कर पड़ गया, बोला ना, बोले अगर सर में वज्रपात हो जाए, अगर बेटा मर जाए तब मैं उसे सहन करूं, लेकिन आपके विरह सहन नहीं हो सकता मेरे से, आप मुझे यही से 1 हफ्ता देकर छोड़ के चले जाएंगे? ना 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 ना, कुछ दिन और प्रभु मुझे सेवा के अवसर दीजिए, ऐसे नहीं। ऐसे सर्वों जिन्हें रिक्वेस्ट किए, रो रा करके विनय किए, भगवान के हृदय पिघल गया, बोले ठीक है रुक जाए, प्रोग्राम कैंसिल। फिक्स कर लिए थे, पक्का जाना था, लेकिन सर्वों प्रभु जी ने प्रोग्राम चेंज कर दिए, कैंसिल कर दिए प्रोग्राम, रुक गए। अब हफ्ता दिन रुके, अब उनके घर में भोजन किए करेंगे, पूरा चांस दिए होंगे उनको, पता नहीं ये लॉकडाउन में मच्छर लोग कोई नियम नहीं फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल बढ़ गए लगता है, पहले तो कभी इतने मच्छर नहीं होते थे। तो उन्होंने मुझे लगता है तो सार्वभौम पंडित जब अंत में 1 हफ्ता के बाद महाप्रभु जाने लगे तो उनके लिए रास्ता के लिए प्रसाद सुखा, क्योंकि पंडित थे, सब व्यवस्था किए, वो भी जो वस्त्र सब दिए, और उनको विदा करने के लिए उनके साथ में 18-20 किलोमीटर तो चल पड़े 20 किलोमीटर किसको टाटा बाय बाय करने के लिए, हम लोग तो गेट तक भी नहीं जाते हैं, बोलते हैं जाओ। अब जाते समय उनको रिक्वेस्ट किए सार्वभौम पंडित ने, बोले प्रभु आप दक्षिण भारत जा रहे हैं, आप जो करेंगे जहां हमें पता नहीं, लेकिन मेरा एक अनुरोध है, अवश्य पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा मत कहिए कि ऐसा मत सोचिए मैं जिसे मिलने कह रहा हूं वो राज कर्मचारी है, ही इज गवर्नर, बहुत बड़े राजा का मंत्री जैसा है, मंत्री जैसा है, दक्षिण के विद्यानगर के अधिकारी है, राजा ही है, असिस्टेंट राजा, तो उनको राज विषय शूद्र समान करके, गृहस्थ मान करके उनको आवड ना करना, मैं आपको
सचमुच प्रार्थना करता हूं, क्योंकि अब भी मुझे तो मिले और भी जिसको भक्त मिले हैं उनको मिलने के बाद प्रभु मैं गारंटी देकर कहता हूं आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि आपके मिलने के योग्य व्यक्ति तो वही है। बोले मैं तो हमारे लोकल है, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से, मुझे नहीं पहचान में आ रहा था श्री श्री राधा राधिकरण कृष्ण बलराम। बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनके वैष्णवता, क्योंकि मैं तो दूसरे स्टैंडर्ड पर था, लेकिन अभी आपके द्वारा कृपासिक्त होकर के परिवर्तन होने के बाद में मैं अभी ये समझ रहा हूं कि वो कौन थे और क्या है। थैंक यू। ये स्प्रे है कैसे करते हैं उसको, निकल नहीं रहा अभी तक। एनीवे तो सार्वभौम पंडित ने बहुत रिक्वेस्ट किए, बोले अगर आप उनको मिलेंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, मैं मानता हूं वो शूद्र है, गृहस्थ है, राज विषयी है, आप उनको मिलने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं करेंगे, अवॉइड करते हैं। राजा को नहीं मिलते हैं, राजा कर्मचारी क्या मिलेंगे, आपने नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभु कृपा करके मिल लेना। हम सब कुछ नहीं है, तुच्छ है उनके सामने। वो क्या है आप तो महाप्रभु सुन करके चले गए। अब जियाड़ा नरसिंह मंदिर एवं नरसिंह दर्शन करके आगे बढ़ते गए, गोदावरी नदी आया। गोदावरी भी आप लोग देखे होंगे कि नहीं, बिल्कुल यमुना जैसा ब्लूइश वाटर है। गोदावरी जल को देख करके भगवान यमुना मन के, उनका तो जो हमेशा 24 आवर जो वृंदावन के जिसका चेतना में रहता है तो वही देखेगा। कोई वन देखने से वृंदावन, कोई नदी देखने से यमुना, वही है उनका मन भाव में रहता था। तो गोदावरी को देखे यमुना मान गए, और किनारे जंगल को देखकर वृंदावन, वो नाचने लगे। वहीं से नाचते नाचते जाके गोदावरी स्नान के यमुना स्नान मान करके वो पार कर गए। याद आया ये तो विद्यानगर है, सार्वभौम पंडित बताए थे रामानंद से मिलने के लिए, बहुत बहुत भारी बात कहे थे, एक बार मिल लेना चाहिए, लेकिन कैसे मिलूं। अब तभी तो सेल फोन था नहीं, भाई फोन नंबर लेके फोन कर दिए होते, लोकेशन भेज दिए होते, पहुंच जाते, ऐसे सुविधा था नहीं, ना कोई उनका पास जो क्या कार्ड होता ना, विजिटिंग कार्ड किसी को दे देते, कोई पूछते ना, पिन कोड नंबर या पोस्टल डिपार्टमेंट से कुछ नहीं होता था, पोस्ट ऑफिस पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं था, पिन कोड ये सब कोई, आधार कार्ड फंड तो सपना ही नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे पहचानेंगे, वो भी केवल नाम भर सुने हैं, कैसे जानेंगे कौन व्यक्ति क्या एड्रेस कैसे। आपको कर बता दे कि आप दक्षिण भारत जाना, उनसे मिल लेना, नाम बता देंगे, ढूंढ पाएंगे अगर ये सब साधन ना हो राम जाने तो। लेकिन भगवान है, वो जब स्नान किए, वो स्नान के समय था, दोपहर का समय, भगवान जानते हैं कि कहीं अगर विशेष व्यक्ति होगा गोदावरी स्नान में तो आएगा, वो शायद उस दिन कोई अच्छा दिन होगा। मुझे लगता है जो मैं सोच रहा था, क्योंकि महाप्रभु पूरी पहुंचे फाल्गुन, उनके जन्मतिथि के अवसर पर फाल्गुन एंड में, चैत्र महीना पूरी में रहे, सार्वभौम को ओटी में ऑपरेशन थिएटर में ले गए, अब बैसाख में निकले दक्षिण के लिए, और ये बैसाख अभी चल रहा ना, बैसाख पूर्णिमा हो गया, तो बैसाख में मतलब नरसिंह चतुर्दशी के समय नरसिंह भगवान जी नरसिंह को देखे थे, उसके बाद मतलब वही गर्मी के समय की बात है, गर्मी में लोग तो कम से कम 2-3 बार तो नहाते ही नहाते हैं। तो भगवान ने स्नान करके दोपहर के समय में घाट से थोड़ा ऊपर हट करके बैठ करके भजन कीर्तन करने लगे। भगवान है अंतर्जामी, उनको सब पता ही रहता है, लेकिन ऐसे किए कि बोले कोई देखते हैं। तो इसी समय में श्री रामानंद राय मध्यान्ह स्नान करने के लिए आए। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्योंकि वो तो राजा ही थे, गवर्नर थे, इस विद्यानगर के अधिपति थे और महापंडित थे। वो जब स्नान करने आए, एक चांदी के पालकी होता ना, पालकुइन, उसके ऊपर बैठ करके आए राजथाट में। मनुष्य उनको कोई गाड़ी फाड़ी में बैठकर नहीं आए, मनुष्य चार आगे चार पीछे सुखियारी के कंधे में पालकी में लेकर आ रहे थे। सैकड़ों वैदिक ब्राह्मण
श्लोक पढ़ रहे थे, बड़े बड़े बाजा वाला ब्यांड पार्टी कीर्तन पार्टी, बड़े प्रोसेशन चल रहा था, हजारों संख्या में लोग चल रहे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण गाना नाचना बिल्कुल स्तुति स्तोत्र पाठ के साथ जा रहे थे। जाके पहुंचे गोदावरी में, और जैसे वैदिक रीति में स्नान करना चाहिए, हम लोग तो क्या बताऊं, नदी ही नहीं देखे, बाथरूम में नहाते हैं बकेट नहीं तो नहीं तो ऊपर फुसफास उसी में नहाकर खुद को आते दौड़े, तो क्या समझे नदी आदि में, पवित्र नदी में कैसे स्नान करते हैं, उसके विधि कैसा है स्नान करने का, कैसे तर्पण करना होता है, प्रणाम करना होता है, ये विधि दिल्ली वालों को तो सपना ही है, नेट में देखेंगे कैसे नदी में स्नान करते हैं ज्यादा ज्यादा। तो उन्होंने वैदिक नियम के हिसाब से स्नान किए, महाप्रभु लक्ष्य कर रहे थे, दूर से बैठ के जो देख रहे थे, बोले इतने एक्सपर्ट है, जैसे जैसे मंत्र पाठ हो रहा है, स्नान किए, जैसे स्नान कर, कितने बार डुबकी लगाना चाहिए, किस दिशा पर मुंह करके डुबकी लगाना चाहिए, और कैसे अंजलि दान करना चाहिए, जल पतन तर्पण करना चाहिए, पूजा मंत्र सब देख रहे थे, देख करके समझ गए उनके थाट बाट को, लगता है ये रामानंद राय होगा, क्योंकि इतने बड़े प्रतिपत्तिशाली आदमी, हजारों ब्राह्मण बैंड पार्टी नाचा कीर्तन पार्टी सब जो जा रहे हैं, ये तो कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं, और जिस नीति से वो स्नान कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट, तो लगता है कि सार्वभौम पटार बता रहे तो बहुत बड़े पंडित ही होगा लगता है। और उनके शरीर का भी इस रूप राज के राजपुरुष हैं, शरीर भी ऐसा था, तो देख करके मन में तो आता था, लेकिन पूछेंगे कैसे जाने, कैसे कन्फर्म करेंगे ही है कि नहीं, वो बोले ठीक है थोड़ा वेट करता हूँ देखता हूँ। तो भगवान थोड़ी दूर में 200 मीटर दूर में घाट से 200 मीटर दूर में पेड़ के नीचे बैठ करके जप कर रहे थे, वो लोग जब नहा रहे थे सबका नजर में उनको, क्यों अपना वोल्टेज बढ़ा दिए थे, भगवान बैठे बैठ कर अपना वोल्टेज समझते ना, हाँ तेज बढ़ा दिए, कई कई लाइट में देखता हूँ उसके जैसे फैन जैसे रेगुलेटर उनको लाइट होता है, बड़ा घुमा दो और तेज हो जाएगा, घटा दो ऐसी होता है, होता है ना, हाँ तो उससे भी वोल्टेज बढ़ा दिए पूरा, इतने कोई देखने पाए सूरज फीका पड़ गया, सौकड़ों सूर्य के तेज उनसे निकलने लगा, सूर्य वेदेव फीका पड़ गए उनके सामने, तो कौन नहीं देखेगा बताओ, जो कोई इतने तेजस्वी चीज कोई आदमी से सूरज से 100 सूर्य से भी ज्यादा कोई रोशनी कोई निकले, है ना, हमको आग लगने से भाग के चले जाए, आपको इतने तेजस्वी पदार्थ कोई देखे कौन नहीं जाएगा, सबके भागे नहीं, पानी में थे स्नान कर रहे थे, सबका नजर उनके ऊपर चला गया, हजारों लोग ब्राह्मण बजा वाला कीर्तन वाला जो स्नान करने वाले जो थे सब, और जो दर्शनार्थी आए थे राजमंदिर डिस्ट्रिक्ट था पास में, सभी लोग उनके ऊपर बोले ये हु इज दिस फेलो, वो कौन है, क्योंकि महाप्रभु का जो साधारण चेहरा था 7.5 फीट तो हाइट था, हम लोग आप लोग को देखे भी नहीं होंगे कोई 7.5 फीट हाइट वाला आदमी, 7.5 फीट हाइट था, आजान लंबित भुजो कनका बदातो, इतने लंबे लंबे हाथ था और शरीर बिल्कुल काचा सोना जैसा मोल्टेन गोल्ड, ऐसे शरीर की दिव्यता था, आकर्ण आयन आंख था, हमारे तो यहीं तक हूं यहां तक था, वो बिल्कुल दिव्य कमल लोचन जैसा था, यही तो महाप्रभु का अस्त्र था, भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए दृष्ट दलन किए जरूर, लेकिन बाकी जितने अवतार सब अस्त्र शस्त्र लेकर के दुष्टों को दलन किए मारे असुरों को बद्ध किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए, उनका सबसे पावरफुल अस्त्र था उनके चेहरा उनके ब्यूटी, ऐसे सुंदर थे भगवान, इतने रूप था उनका, यू आर सो हैंडसम, कोई एक बार आटे ग्लांस को देख ले बोल्ड आउट फिनिश्ड, और सेकंड देखना नहीं, गया उनका आंख गया मुंह गया हृदय गया गया, वो कहीं के नहीं रहेगा फिर तो सब गया भूल जाए, जस्ट एक बार नजर कोई देख ले उनको सो गया और दोबारा जरूरत नहीं, ऐसे उनके रूप था, और उसमें वोल्टेज बढ़ा दे, बेचारे जो ब्राह्मण श्लोक पढ़ रहे थे उनका जीभा रोकने लगा, जो स्नान कर रहे थे ऐसे ऐसे पानी डाल रहे थे ऐसे करके ऐसे देखने लगे पानी डाल नहीं पा रहे हैं,
कोई मुंह से पानी लिया था वो मुंह से रह गया, निकाल नहीं पा रहे हैं, कोई लेना चाह रहा था हाथ में बाहर रह गया, सब विकार हो गया, सब देखने लगे। आश्चर्य देख रहे थे रामानंद राय, क्योंकि वो अधिकारी है, वो सोचे कौन है ये, वही पहली बार देख रहे हैं। तो स्नान कर चुके थे, जल तर्पण कर रहे थे, लेकिन वो बाकी क्रिया छोड़ दिए, उनको भी वो संभला नहीं गया। अंतिम पाठ का क्रिया छोड़ करके वही गीले कपड़े में, अभी कपड़ा नहीं वस्त्र नहीं बदला थे, गीले कपड़े में जो भी गीला गमछा जो भी पहने होंगे वो पहन के सीधा 200 मीटर था ही तो पड़ के वो चल पड़े। सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे राजा साहब कहां जा रहे हैं, वो चल पड़े। उनके नजदीक जितना जा रहे इतना उनका उत्कंठा और तीव्र बढ़ता है। पास जा करके संभला नहीं किया, दंडवत प्रणाम कर लिए। सब देख रहे अरे ये एक भिखारी सन्यासी है, ये यहां के राजा है, वो जाके उनको सन्यास कर रहा है। जैसे प्रणाम किए, भगवान की भगवत्ता भले बहुत है लेकिन फेल मार जाता है भक्त का पास में। अब ये तो कोई साधारण भक्त थे नहीं, साक्षात श्रीमती राधा रानी के खास सखी, उनके 24 घंटा लेफ्ट राइट में रहने वाले श्री विशाखा देवी थी, विशाखा देवी थे वो जब वो थे राधा कृष्ण, और उनके उपास्य देव को भले ड्रेस चेंज कर कोई आए पहचानेगा नहीं, आश्चर्य हो रहा था ना, यही तो हुई ये ड्रेस चेंज कर दिया। तो इसलिए अति आश्चर्य हो करके पास में जा करके आपने इष्टदेव उपास्य मान करके प्रणाम किए। अब क्योंकि ऐसे उच्च कोटि के भक्त जब भगवान से मिलते हैं, भगवान के पास जाते ही उनके प्रेम लिमिट क्रॉस हो करके बढ़ जाता है, जैसे नदी में बाढ़ आ जाते बांध तोड़ के भागता है, तो ऐसे उनका सब, तो इसलिए गिर के। और भगवान भी अगर ऐसे उच्च कोटि के प्रेमी भक्त को मिलते हैं तो उनके जो भक्त वत्सलता होता है, उनके स्नेह, वो भी सीमा तोड़कर निकलता है, दोनों दोनों को संभल नहीं पाते। और ये प्रणाम के महाप्रभु तुरंत बैठे थे, माला फाला साइड में रखकर धड़ से उठे, उठ करके अब एक बार उठा कर गले में चिपक लिए, गोद में ले लिए तुरंत, और भक्त और भगवान के महामिलन, दोनों रो रहे हैं, दोनों अश्रु कंप पुलक अद्भुत विकार, दोनों नीचे गिर पड़े, फेंट हो गए, दोनों ही सेंसलेस हो गए। सेंसलेस होकर के वो मिट्टी में हुई रोल डाउन हो रही, वो जो खड़े थे लोग बोले ये व्हाट इज गोइंग ऑन हियर बाबा, ये क्या हो गया, ये हमारे राजा साहब अच्छा खासा स्नान कर रहे थे, ये क्या हो गया, ये इतने वोल्टेज वाला सन्यासी उनका क्या हो गया, ये शूद्र राजा को तो छूना भी नहीं चाहिए, वेद में मना कर रहा है, शास्त्र में उनको छूना नहीं, देखना नहीं चाहिए, उनको गले में लेकर के ऐसे मूर्छित, ये क्या हो रहा है, ऐसे रो रहे हैं। सभी का आश्चर्य का बिल्कुल पंचम स्थिति में आ गया था। जितने हजार लोग थे, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी, सब भी सोच नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। अब आश्चर्य होकर जब ढंग से देखे तो भगवान समझ गए, थोड़े देर मूर्छा वगैरह किए, समझ गए कि भाई ये वो लोग सब ये रस के नहीं है, महाप्रभु आपने आत्म संयम किए, और उनको भी करा दिए, संयम होकर खड़े रहे। तो इतने में अब बोले बातचीत करते हैं, मिले कुछ पूछ देंगे, तो इतने में वो लोग जितने हजारों और भी आसपास में लोग जब आ गए देखने के लिए क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सारे हजार लोग को इस घाट पर, कोई पानी में कोई ऊपर में कोई बीच में, सारे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब कीर्तन कर रहे हैं, सबका आंख से आंसू बह रहा है, कोई नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं और उनका क्या हो रहा है, एकटक देख रहे हैं, रो भी रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, उनको नहीं पता, जीवन में पहली बार कीर्तन किए, पहले कभी नहीं किए थे ना, उनको तो समझ, वो तो कर ही रहे हैं, नाम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो जैसे भगवान थोड़े संभ्रमित हुए, अपने संयमित किए, रामानंद राय भी अपने संयम किए, मोड़ कर देखे, अरे यार मैं इतने बड़े यहाँ के राजा हूं, ये धूल फूल लग गया कपड़ा में, गीला कपड़ा में, ये क्या हो गया। थोड़ा अपना धूल झाड़ के पीछे देखे तो जितने हजार लोग थे सब रो रहे हैं, सब हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं,
अब रामानंद राय के और शंका 1% नहीं रहा, वो कन्फर्म हो गए कि ये व्यक्ति साक्षात परम ब्रह्म भगवान है, क्योंकि ऐसा इफेक्ट किसी का हो ही नहीं सकता। इतने बड़ी प्रभाव दर्शन मात्र से हजार लोग बदल जाए, ये तो भगवत प्रभाव है और कोई हो ही नहीं सकता। रामानंद कन्विंस हो गए थे, लेकिन भगवान भगवान है। अपने लोग तो पूछने लगे, बोले भाई साहब आपके नाम क्या है, मैं नहीं जानता हूं। रामानंद आश्चर्य होकर, नहीं जानते ना, बुरा ना मानिए, क्या आप रामानंद राय है क्या? भगवान ने पूछे, लगता है आपके इसे लगता है आप रामानंद राय के। अब इसे मिलन सब कुछ हो चुका है, फैंस मूर्छा मूर्छित होकर के सेकंड फेज में बोलते हैं कि नाम क्या है, रामानंद राय है क्या? अरे पता नहीं, ऐसे गले में लगकर फेंट कैसे हो गए? तो रामानंद राय बोलते हैं, हाँ मैं ही मूर्ख शूद्र अधम हूं, कितने विनम्रता है, मैं वही अधम हूं। आप तो साक्षात भगवान? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं पुरी से आया, सार्वभौम पंडित ने आपका नाम बार बार बता रहा था, बहुत जिगर करके बताया, बुलाओ दक्षिण में विद्यानगर में अधिकारी, उनको जरूर मिलना जरूर मिलना। मैं मिलना तो आप मुझे आया तो आपसे मिलने के लिए, लेकिन कैसे पहचानूं, ये तो भगवान की विशेष कृपा, ये घाट पर भेंट हो गया, ये स्नान के घाट पर आप मिल गए, नहीं तो मैं तो नहीं सोच पा रहा था कैसे आपसे मिल पाऊं, ये तो भगवान की बड़ी कृपा हुआ। जैसे चैतन्य महाप्रभु बात के सार्वभौम पंडित हंसकर बोले, बोले हाँ समझ गया, तो मतलब सार्वभौम का उद्धार हो चुका है लगता है। बोले मैं भी जानता हूँ सार्वभौम का, हमारे लोकल मुझे पता है सार्वभौम वो कैसे थे, लोहे पिंड था, कठिन हृदय, बिल्कुल तर्कवादी, भगवत विश्वास में निराकारवादी थे। तो मतलब सार्वभौम पंडित मुझे मिलने के लिए बोले, तो इससे पता चलता है कि सार्वभौम को भक्त बना चुके हैं, इसके अंदर में सार्वभौम प्रभु का ऑपरेशन सक्सेस हो चुका है, बिल्कुल है ट्रांसफॉर्म हो चुका है। भगवान बोले ये तो पुल खोल लेगा लगता है, सब पता है ये बात में एक बार। बोले नहीं नहीं, सार्वभौम पंडित देखा कि मैं तो मायावादी सन्यासी हूं और मेरा कोई कृष्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण कृष्ण कर रहा था, तो बोले कि तुम ऐसे पागल करके होता, जाओ रामानंद से मिलो, ओ कृष्ण भक्ति है उनसे। बोले समझ गया, मुझे आप क्या बताएंगे, सार्वभौम के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, सार्वभौम मेरे पास भेजे मतलब मैं समझ गया आपका कितने कृपा है सार्वभौम रूप का ऊपर, कृपा करके उनको बदल डाल चुके हैं और उनके नाम लेकर के मुझे उद्धार करने के लिए आ चुके हैं। नंबर सेकंड मेरा है, फर्स्ट नंबर में सार्वभौम, सेकंड में मेरा बारी आया है, मुझे उद्धार करेंगे इसलिए आए हैं और कुछ नहीं है, और मैं शरण को मुझे उद्धार कीजिए बस। अब जो भी बातचीत हुआ तो इसमें से महाप्रभु बोले, देखो इतने लोग देख रहे हैं, थोड़ा इसे मत बोलो। बोले यही चीज देशी की तो देख करते, मैं कन्फर्म हो रहा हूं। बोले क्या कन्फर्म हो गया? अरे हजार लोग मैं जानता हूं, मेरे प्रजा है लोग, लाइफ में फर्स्ट टाइम हरे कृष्ण गा रहे हैं और इस दशा उनके हैं, मैं नहीं जानता हूं यहां के लोग, तो इसी को तो देखकर मैं समझ रहा हूं कि आप साक्षात ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के प्रभाव के बिना और कोई ऐसा प्रभाव हो ही नहीं सकता। महाप्रभु बदलने बोले, ना 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 रामानंद जी ऐसा बात नहीं, ना फिर कैसे, मैं बता रहा हूं सुनिए, आप महाभागवत भक्त है इसलिए आपके प्रभाव से उनके दशा हुआ भक्ति इस, मेरे तो मैं तो खुद नहीं जानता हूं कुछ। रामानंद राय बोले हाँ मेरे प्रभाव से, मैं उनके साथ रहता हूं सालों भर, उनके साथ मुझे उठाकर टांगकर लेकर आया, मुझे नहीं पता एक बार नहीं बोलते जो भी हो, महाप्रभु टप की चेंज कर दिए तुरंत, बोले नहीं ये पकड़ा जाएगा। फिर बोले कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं आपसे थोड़ा मिलना चाहता हूं, अभी तो इतने लोग हैं बातचीत नहीं हो पाएगा पब्लिक में, ना मैं भी मिलना चाहता हूँ, ना कोई बात नहीं अभी चलते हैं, दोपहर हो गया मैं भोजन के लिए भी, वो इस समय कोई आकर बुलाया, भगवान है कोई आकर बुलाया, प्रणाम किया, हमारा घर में लंच लीजिए, लंच टाइम हो गया चलिए। अब बोले मैं लंच लेने जा रहा हूँ, सुबह से नहीं खाया, एक टाइम वन टाइमर हूँ। तो रामानंद राय प्रणाम करके बोले फिर मिलेंगे ना, हाँ शाम को वाला एकांत में। अब चले गए और शाम को
जब सब हो गए तब तो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होता जल्दी सो जाते थे लोग। रामानंद राय एक सर्वेंट अपना पर्सनल सर्वेंट को साथ में लेकर के आए, आकर के मिले और जो उनका बातचीत हुआ ये श्लोक लिखा है। ये संस्कृत में श्लोक में ये बता गया, आप एक बार पढ़ना तो पढ़ लीजिए नहीं तो टाइम खत्म हो रहा है। संचार्य रामाविध भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चामृतानी गौर अब्धि अमुना वितरणी तद यत्व रत्नालयातं प्रयाति। बोलते हैं कि इसी में रामानंद राय का बात आएगा, उसमें कहते हैं कि भगवान तो भगवान है, उनके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत सब कुछ अनंत है, छह ऐश्वर्य जो ज्ञान में एक है। तो इस श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं क्योंकि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद से सुनेंगे, प्रश्न करेंगे और उनसे सुनेंगे, ज्ञान उनसे प्राप्त करेंगे। बोले उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, बोले कैसे? इसलिए सबसे पहले संचार्य, संचार करके, संचार करते हैं। जैसे आप जानते मेघ, मेघ में जल संचारित होता है, कोई नदी या समुद्र है, सूर्य की प्रखर ताप से वो पानी बाष्पीभूत होता है, बाष्पीभूत होकर के बाष्प के द्वारा आकाश में उठ करके मेघ बन जाता है, मेघ में बन जाता है, और ये मेघ फिर बारिश होकर के वो फिर समुद्र में नदी में फिर पानी देता है। तो वो जो आकाश में जो पानी जो ट्रांसफर उसको बोलते हैं संचारित होता है। लेकिन वो कैसे संचारित होकर इसको दिखाया जाता है, किसी को देख पाता है ना, किसी को नहीं पता चलता कैसे मेघ में समुद्र से पानी जाकर मेघ बन कर रहा, वो कोई नहीं देख पाता, देखा नहीं पड़ता। लेकिन पानी गया जरूर पानी ही है, और जब बारिश होता है तो पता चलता है। और ये भी पता है सबको, समुद्र में जो सीपी सुक्ति शंख में जो रत्न मोती आदि मिलता है वो भी प्राप्त होता है। ये कहा गया कि जब बारिश होता है ना तब ये सब में रत्न पैदा होता है। बारिश पानी में रत्न पैदा करने का ये नहीं, पानी गिरता है रत्न समुद्र में था वो कन्फर्म हो जा करके रत्न पैदा हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र के बिंदु पड़ने से सिप के अंदर मुक्ता सब रत्न, और इसलिए समुद्र रत्नालयम रत्नाकर बोला जाता है क्योंकि रत्न बन जाता है उसी बारिश में। अब बारिश में पानी किसका है? समुद्र का ही है। समुद्र का ही पानी, अपना पानी आपने संचारित करके सूर्य किरण के द्वारा मेघ बनाते हैं, फिर इस मेघ में पानी को स्वीकार करके स्वयं रत्नालय बनते, रत्नाकर बनते। ठीक इसी प्रकार ये समुद्र है गौर अवधि, गौरांग का नाम है गौर अवधि, अवधि मतलब जलाश सागर, गौरांग महाप्रभु सागर है। सागर में तो खारा पानी होता है ना नहीं? लेकिन ये तो कोई ये साधारण सागर तो है नहीं, कौन सा सागर है? गौर सागर। गौर के अंदर खारा पानी नहीं है, पानी ही नहीं है, वो तो अखिल रसामृत सिंधु है, रस ही रस भरा पड़ा है। और कौन सा रस? न भक्ति रस अमृत, वो भक्ति से अमृत भी फैल मारेगा उनके सामने। अमृत को निंदित करते हुए शब्द आया, इसलिए अमृत को निंदा करते हुए जो महाप्रलज लिक्विड है साक्षात अमृत जैसे, जो पंच रस दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि रस में जो सिद्धांत भक्ति का रस, ये सब रस जो था, ये जो अमृत को रस को लिक्विड को वो संचारित किए। किसी में संचारित के मेघ कौन है? राम भक्त मेघ, मेघ है रामानंद राय, ये है समुद्र। अच्छा संचारित करने के लिए भाई सूर्य के किरण होगा तब तो बाष्प होगा ना। बोले सूर्य कौन है? ना भगवान की कृपा, भगवत कृपा ही सूर्य है। सूर्य की रश्मि से जैसे पानी उड़ता है, उनके कृपा शक्ति से स्वयं आपने सिद्धांत भक्ति रस सिद्धांत को अपनी कृपा शक्ति से उठा करके रामानंद के हृदय में डाल दिए, उसमें संचारित कर दिए। और जब संचारित हुआ तो रामानंद पता नहीं चला, बोले वो कैसे पता चलेगा? वो तो महसूस अनुभूत हुआ, अनुभव हुआ, क्योंकि कोई देखता नहीं, वो मेघ को भी पता नहीं चलता कैसे उनके अंदर पानी आ जाता है, तो इस प्रकार किसी को दिखाई नहीं पड़ता।
अदृश्य रूप में होता, तो इसे अदृश्य रूप में भगवान कर दिए। रामानंद को अनुभव हुआ, बोले ये क्या आ गया मेरे हृदय में। तो रामानंद राय स्वयं अपने मुख में कहेंगे, सिंह को स्वीकार किए, ये सारे तत्व ये मेरे अंदर कैसे आ गया। बोले अब मेरे थर्ड कन्फर्मेशन होता लगता है, क्योंकि आप ईश्वर है, ईश्वर का रीति होता है। क्योंकि सारे तत्व को मेरे हृदय में आप संचारित कर दिए। बोले इससे पता चलता है कि आप साक्षात भगवान है। मेरे पास तो इसको था नहीं माल मसला। बोले क्या? बोले आप पहले भी इसे कर चुके हैं। बोले क्या? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंती यत सूरय। बोले आपके पहली पुत्र ब्रह्मा को आप पढ़ाया, कोई स्कूल कॉलेज में थोड़ी ना भेजा था ना, घर आजकल होम ट्यूशन होम एजुकेशन वो भी नहीं किए थे, कोई किताब नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था, कोई टीचर ही नहीं थे, पेन पेपर ही नहीं था, कैसे पढ़ाए? आजकल तो पेन पेपर में पढ़ते नहीं, कंप्यूटर में पढ़ते हैं। बोले वो भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाए, ब्रह्मा जी को नहीं पता चला, लेकिन अनुभूत हुआ कि वेद सारे डाउनलोड हो गया, चिप्स में सीधा डाउनलोड किया, सीधा हार्ड डिस्क, अब हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में सीधा डाउनलोड कर दिया। तेने ब्रह्मा हृदय, उनके हृदय में सीधा डाउनलोड कर दिए, ब्रह्मा जी को पता नहीं चले कैसे हो गया। ठीक इसी प्रकार रामानंद के हृदय में आपने कृपा शक्ति से इस अनंत भक्ति रस अमृत को संचारित कर दिए। बोलते हैं कि ईश्वर के यही रीति है, रामानंद बोलते ईश्वर का यही रीति, बोले उनका यही लक्षण ही होता है, उनका यही रीति है। बाहरे न कहे वस्तु प्रकाश हृदय, बाहर में कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठता, कुछ नहीं जानता, लेकिन हृदय में सीधा डाउनलोड कर देता। बोले ये हमेशा करते रहते हैं, हम लोग भी अंदर भी भगवान परमात्मा रूप में हैं, कभी जरूरतमंद करते हैं, लेकिन हम मूर्खों को पता नहीं चलता, हमारा ध्यान ही नहीं, इतने बहिर्मुख है। लेकिन कोई कोई निर्मल चित्त व्यक्ति, उनको पता चल जाता है परमात्मा का इन्फॉर्मेशन। तो रामानंद जैसे तो महत्व समझ गए, तो उनके अंदर, तो अभी इस प्रकार से उनके रस को उनके संचारित किए, संचारित करके अभी उनसे ही लेंगे। जैसे मेघ में समुद्र ने अपना पानी को संचारित किया करके, फिर बारिश में वही पानी को फिर स्वीकार करेंगे। तो जिसी को अपने भक्ति रस को उनके हृदय में डाले, उन्हीं को फिर उनके मुंह से स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, रत्नालय बनेंगे, अभी रत्न गर्भा बनेंगे। बोले कैसे? अपने पानी को लेकर रत्न तो पहले था नहीं, कैसे बन गया? बोले जैसे बारिश होने से समुद्र में शंख सुपी में आदि सब रत्न बन जाता है, ठीक इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये जब भक्तों को हृदय में डाल करके फिर भक्त उसको अनुभव करता है, अनुभव करके अपने अनुभूति से उसे फिर बोलता है, फिर वो अनुभूत ज्ञान, वो ज्ञान नहीं विज्ञान होता है, वो रत्न जैसा होता है। आप बोलेंगे भगवान को विज्ञान पता नहीं था क्या? भगवान को सब पता है, लेकिन फिर भी भक्त के हृदय के बाद भगवान को पता नहीं होता। इसके लिए तो भगवान को भक्त बनना पड़ा, इसी चक्कर में तो गौरव बने, नहीं तो कृष्ण गौरव क्यों बने? इसी चक्कर में बोले ना, यही नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए रामानंद के हृदय में डाल करके विज्ञान को स्वयं ग्रहण करके स्वयं उपलब्ध ज्ञान को रत्नालय बन गए गौरांग महाप्रभु। तो इस प्रकार से रामानंद से प्रश्नोत्तर करके अब उनसे पूछ ले, मैं आपको थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्या रामानंद को अच्छा तरह से पता है कि ये साक्षात परमेश्वर भगवान है, लेकिन मुझे से सुनना चाहते हैं, लेकिन अब भगवान किससे कुछ कराना चाहेंगे, वो बेचारा क्या करे, राजी हो गए, राजी होना ही था, भगवान ने अंदर बैठे राजी करा दिया उनको। और जब बोले कि मैं जाऊंगा, रामानंद बोले कि नहीं, अगर मुझे कृपा किए तो केवल दर्शन दे करके मेरे उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा स्थिति कितने गंभीर है, तो एक बार दर्शन से मेरा उद्धार नहीं सकता प्रभु, जब कृपा किए हैं तो एक हफ्ता एक्चुअली रुक करके मुझे कुछ ट्रीटमेंट कीजिए, ये केवल फूंक मार देने से आग नहीं प्रकट हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑपरेशन जरूरी है, मुझे एक आध हफ्ता रुक करके मुझे बिल्कुल ऑपरेशन कीजिए, जैसे सार्वभौम को किए थे, ऐसा कीजिए तो मेरा भी उद्धार होगा। रामानंद राय रिक्वेस्ट के एक हफ्ता 5-7 दिन के लिए, भगवान तो 10 दिन रुक गए, 10 दिन तक कुशीनानुसार किए। अब सारे
भक्ति रस का क्रमोन्नति शुरू से किए वर्णाश्रम से, वर्ण आश्रम से शुरुआत से बिल्कुल नील से जीरो से शुरू करके धीरे 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 ऊपर बढ़ते गए हैं। कर्मार्पण, अभी कर्म मिश्रा, कर्म शून्य, ज्ञान मिश्रा, ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य में बोले हो भक्त, बोले एक्सटर्नल एक्सटर्नल, हाँ ये चलेगा। और आगे आगे बढ़ते बढ़ते प्रेम भक्ति तक पुछते पुछते ले गए, प्रेम भक्ति में भी रुके नहीं, बोले और आगे ना, और आगे क्या ना, राधा प्रेम तत्व, कृष्ण प्रेम तत्व, राधा स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, वो जो दुनिया में अभी तक कोई पूछा नहीं, कोई बोला नहीं, कोई पढ़ा नहीं, कोई सुना नहीं। राय भी आश्चर्य हो रहा है, बोले ये नॉट पॉसिबल, बोले होगा चलो, क्योंकि माल तो आपने ही देता है, अपने डाल के लेते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए रामानंद राय कहते हैं कि मोर मुख वीणा यंत्र तुमी वीणा धारी, तुमार मुखे जाई उठे ताहाई उच्चारी। बोले मैं तो केवल हारमोनियम, अब वीणा तो दिखे नहीं, हारमोनियम हूं, हारमोनियम अपना बज जाएगा, कोई राग बजता है बजेगा, ये सुर बजेगा, कोई म्यूजिक अपना बजेगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नो, इंस्ट्रूमेंट कभी अपना अपने बजने से। तो बोल रामानंद राय बोलते, मैं आया मैं इंस्ट्रूमेंट, आप कौन हो, आप म्यूजिशियन हो, बजाने वाले हो, जो राग आपके मन में आया मेरे से वही राग निकालेंगे। तो जो भाव आपके मन में आया आप इंस्ट्रूमेंट में उच्चारण करवा देते हैं, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र हूं। तो जो आप पूछते हैं और सुनवा बुलवाते हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग, मैं तो इंस्ट्रूमेंट मात्र हूं, बजाने वाले आप हो, जो राग बजाना चाहिए बजाएंगे, यही फैक्ट है। तो इस प्रकार से अति गुड़ से गुड़ तत्व को महाप्रभु सुने, फिर गए दो साल के आसपास घूमे, जो वापस आ रहे थे फिर मन नहीं माना, फिर रामानंद राय के पास एक हफ्ता फिर रुके उनके पास। वो बोले कि ऐसा करो चलो हमारे साथ, हम रुकते हैं साथ में। रामानंद राय बोला अरे मैं गवर्नर हूँ, ऐसे तैसे रिजिग्नेशन राजा लगा ही नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। बोले कोई बात नहीं, कृपा करके आ गए बहुत जल्दी ही रामानंद राय रिजाइन करके, राजा भी फेवर किया, सब सैंक्शन हो गया, आ करके पहुंचे, अब टाइम निकल। तो जब आ करके रामानंद राय पहुंचे आप जगन्नाथपुरी में, जो बहुत बड़े जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय गार्डन जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, इस उद्यान में रामानंद राय का निवास था, वो घर में नहीं गए। रामानंद राय के घर जगन्नाथपुरी से लगभग 18 किलोमीटर पश्चिम दिशा में अलारनाथ करके, अलारनाथ से पहले थोड़ा वेंटपुर करके एक गाँव है, यहीं उनके पिता श्री भवानंद राय उनके पांच पुत्र थे। ऐसे कहा गया कि साक्षात पंडु महाराज है और उनके पांच पुत्र पंडु हैं। रामानंद राय में कई व्यक्तित्व मिलित थे, अर्जुन भी मानते हैं उसको, अर्जुनिया गोपी भी मानते हैं उनको, अर्जुन सखा भी मानते हैं उनको, और कोई ललिता कोई विशाखा कुछ मैंने सब उनमें थे। लेकिन बाह्य दृष्टि से एक विषयी राजकर्मचारी गृहस्थ शूद्र जैसा, लेकिन जो जानते हो जानते हैं, बाप रे बाप कितने उच्च कोटि के सार्वभौम पंडित, बड़े बड़े सन्यासी को शिक्षा देने वाले शिक्षक थे। वो बोलते हैं कि रामानंद को मिलने से पता चलेगा हु इज रामानंद। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक मिशन है कि किसी के प्राउड नहीं, गर्व सहन नहीं करते, अहंकार को दलन करते हैं। तो अहंकार दलन करते हैं भगवान बड़े टैक्टिस से, भक्तों की महिमा को बढ़ाना और जो अभक्त अहंकारियों को उनके घटाना, ये प्रभु को बहुत बढ़िया आता है, भला जाने, ये अच्छे तरह से जानते हैं। पुरी में एक बहुत बड़े दिग्गज पंडित थे प्रद्युम्न मिश्र, अपने आप को मानते थे कि मेरा है, थे भी सारी डिग्रियां, कम से कम ये पेज भर जाएगा जितनी डिग्रियां उनके पास था, इतने पढ़े थे, और थे ही ऐसा बड़े विद्वान से मानते थे उनको। तो एक बार क्या भगवान प्रेरणा दिए होंगे, एक बार आए महाप्रभु के पास, आगे प्रणाम किए, बोले बोले मिश्र जी कहे बड़े पूरी पूरी में फेमस थे प्रद्युम्न मिश्र जी। बोले कैसे आए ना, मैंने सुना कि आप कृष्ण हो करके, लोग बोलते हैं, मैं तो मैं कहाँ आप देख रहे हैं, मैं तो ना लोग बोल रहे हैं ना, फिर आया किस लिए आना हुआ बताइए ब्राह्मण देव ना, मैं कुछ कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, मेरा मन में बहुत इच्छा है कृष्ण कथा सुनने के लिए, थोड़ा बताइए।
महाप्रभु बोले देखे मैं मायावादी सन्यासी हूं, सुखा हूं, मैं कहां कृष्ण के बारे में जानूंगा। कृष्ण के बारे में आप सुनना चाहते हैं तो रामानंद राय के पास जाइए। रामानंद राय का नाम सुनकर नाक उठाए उन्होंने, तो महाप्रभु ने थोड़ा प्रशंसा किए, बोले सबसे पहले तो मैं आपको प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप कृष्ण कथा सुनना ही चाहते हैं। जो कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं यही भाग्यवान है। हम भाग्यवान सोचते हैं जिनको बहुत बड़ा सुंदर रूप वाला, बहुत धन मिला, बहुत ज्ञान मिला, बहुत पोस्ट पोजिशन पावर मिला, हम बोलते हैं वही बड़े भाग्यवान। लेकिन श्री भगवान कहते हैं ये से भाग्यवान नहीं, ये से भतभागा। भाग्यवान असली कौन है? जारा कृष्ण कथा रुचि सही भाग्यवान, तुम्हार कृष्ण कथा रुचि तुम ही भाग्यवान। जिनका कृष्ण कथा सुनने के लिए आकांक्षा है, रुचि है, वही असली भाग्यवान ही। भगवत वाक्य भगवान स्वयं बोले कि जिनका भगवत कथा कृष्ण कथा सुनने के लिए तीव्र इच्छा है वही ही महाभाग्यवान है। वो इसी मीटर से नाप कर देखना चाहिए कौन भाग्यवान है अभागा है। जो कथा सुनना नहीं चाहते हैं, बाकी सब काम करेंगे, बाकी सेवा के लिए तो दौड़ कर आएंगे, बहुत बढ़िया से करते, क्लास में नहीं आएंगे, मर जाएंगे। जैसे बकरी पानी के लिए यही से ही पीछे आएंगे, क्लास भी सुनना पड़ेगा। तो समझ लो किस स्तर में है भगवान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भाग्यवान के नाप यहीं से होता है, भक्ति के नाप भी ऐसे ही होता है, कथा रुचि से। तो भगवान कहते हैं कृष्ण कथा में रुचि है तो आप महाभाग्यवान हो, तो आप चाहिए रामानंद राय के पास हो। तो राजी नहीं हो रहे थे, बोले नहीं ये बहुत जानता है, मैंने उनसे सुनकर आया हूं, आप जानते ना हमें भी सुन रहा था ना, हम जाइए। अब ऐसे भेज दिए, वो तो नहीं चाहते थे क्योंकि ये प्रकांड ब्राह्मण है, ये शूद्र के पास जाएंगे, गृहस्थ के पास गए। अब जा करके वो तो राज गवर्नर थे, अपना स्टेटस में रहते थे, जा करके उनके रहे सिक्योरिटी फिक्योरिटी बोले आए, बोले ठीक है राज साहब बिजी हैं बैठे। वो क्या बिजी है, वो शाम तक बैठे रहे बूढ़े प्रद्युम्न मिश्रा, वो मिले नहीं। अब सिक्योरिटी का साहस नहीं कि डायरेक्टर साहब को बोले, बोले साहब क्या कर रहे हैं क्या अब तक? नारे तो नाच सिखा रहे हैं, तो युवती स्त्री हैं उनको पेंटिंग ड्रेसिंग करवा रहे हैं, उनको डांस सिखा रहे हैं। हे राम 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 राम, मुझे भेज दिए ये सन्यासी जी उनके पास कथा सुनने के लिए, ऐसे ही व्यक्ति है। अरे रे रे रे, खटा हो गया मन, चल गए। रामानंद राय आए, बोले क्षमा मांगे, वो तो मुंह फिड़क गया था, घर वापस के बोले लेट हो गया, टाइम खराब किया, एक दिन मेरा खराब हो गया चक्कर में। दूसरे दिन वापस महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु बोले कथा सुने ना? अरे यार आप भी ऐसे मजाक कर रहे हैं, भेज दिए उनके पास, ऐसे आदमी है यार, ऐसे आदमी के पास भेजते हैं, ऐसे कोई दुष्चरित्र आदमी है, ये वो लड़कियों के चक्कर में है यार, आप भेजते हैं उनके पास। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आपने श्रीमुख से रामानंद राय की प्रशंसा जो वाक्य कह रहे हैं और आप और हम नहीं कह सकते हैं, साहस नहीं होगा। ये भगवान ही इसे प्रशंसा करते हैं अपने भक्त को। उनके सामने बोले, बोले आमी तो सन्यासी आमा के विरक्त करी मानी, बोले मैं अपने आप को सन्यासी, अपने आप को वैरागी विरक्त मानता हूं, लेकिन मुझे पता है ये पोशाक जो ड्रेस कपड़े का दुकान में लखे रहते ना, वो स्टार्ट क्या बोलते हैं उसको, डम्मी, ऐसे लकड़ी के डम्मी को देख करके हमारा मन में भी विकार उत्पन्न होता है। और रामानंद राय साक्षात स्त्री युवती सुंदरी, उनको राग शिक्षा दे रहा है, उनको ड्रेसिंग पेंटिंग स्नान करा रहा है, लेकिन अद्भुत है उनका स्थिति, पूर्ण विकार शून्य है, केवल रामानंद के स्थिति, केवल रामानंद के है, और दुनिया में किसी का है ही नहीं, बोले मेरा भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते इतने बड़ाई किए, इतने बड़ाई किए कि मिस्र का हवा निकल गया, बोले जाना ही पड़ेगा ना, जाओ, जाना पड़ेगा नहीं जाओ। वो बेचारा सब पिछले दिन का जितने एक्सपीरियंस भूल भाल कर सेकंड टाइम गए, और रामानंद राय भी भक्त श्रेष्ठ है ना, वो बोले ना आज जैसे मिश्र जी आए, अगर आज आए तो इमीडिएट मुझे बुलाना, ना सारा डिस्टर्ब, अरे डिस्टर्ब मुझे बुलाना, तो सिक्योरिटी तो बोल ले, सिक्योरिटी जाकर तुरंत बुला, रामानंद राय सारे काम छोड़ करके आए, आकर बैठे, क्षमा करें काल आए थे चले गए, आ जाएंगे ना, आए ना, ना बस मुझे वो चैतन्य महाप्रभु ने भेजे आपको, बस कृष्ण कथा सुने, बोले वो भेजे हैं,
वही भेजे फिर वही बोलेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोलर तो वही है, पावर हाउस वही है, वो जो कराना चाहे कराएंगे। आप जब बोलना शुरू हुआ 10-11 बजे पहुंचे थे प्रद्युम्न मिश्रा, रामानंद राय बोलना शुरू किए, वो पूछे क्या सुनना चाहते हैं ना, जो उनको सुनाया था थोड़ा बोलिए ना मुझे, बोले मैं तो कोई ऑर्डिनरी कहानी सुनने वाला तो अब इसी थोड़ा नहीं, भक्त तो है ही नहीं, आप जानते हैं कि मेरा 2 पेज भर जाएगा जितने डिग्री है मेरे पास में, जितने बड़े पंडित हो, तो मेरे स्टैंडर्ड में जो चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले थे मुझे भी कुछ सुनाइए ना, वही सुनना चाहेंगे ना। हाँ, तब उन्होंने राधा कृष्ण के लीला, कृष्ण लीला के बारे में कुछ बोलना शुरू किए। अब क्या बोले वो तो हम ही नहीं जानते हैं, क्योंकि कबीराज उस समय बताए नहीं हम लोग को, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे। तो बोले जो बोते प्रद्युम्न मिश्र जब सुने, प्रद्युम्न मिश्र भी शायद घड़ी लगा हुआ था कि नहीं पता नहीं, कब काल चला गया, कब समय बीता, लंच टाइम गया, पानी भी नहीं पिए, बाथरूम में नहीं गए, बैठे 10 बजे से रात हो गया। सिक्योरिटी आकर बोला कि सर रात हो गया है। तब प्रद्युम्न मिश्र बोलते हैं अरे सूरज डूब चुका, अंधार हो चुका, ऐसे काल पता चल गया, कुछ नहीं पता चला, शरीर स्तर से ऊपर उठ चुके थे। वो बोलते ही जा रहे, सुनते जा रहे, और वहां से सुन करके नाचने लगे, नाचने लगे, बोले आज मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसे कथा सुना। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जानते हैं ऐसे अहंकारी जो ब्राह्मण लोगों को जाति प्रथा भक्त कैसे उनको ऑपरेशन करके बिल्कुल क्लीन कर देना, और भेजेंगे अपने भक्त के पास। शूद्र ने बोलो उन्हीं से ही, ऐसे महाप्रभु करते हैं, अपने भक्तों के गुणगान करते हैं और जो अहंकारियों का दर्शन करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, बिल्कुल इतने ऐसे काम करते हैं। तो इसे श्री रामानंद राय जो कि जब पुरी में आकर रहे अपने नौकरी से छोड़ रिजाइन करके, तो महाप्रभु के लेफ्ट एंड राइट उन्हीं के हमेशा दोनों साथ में रहते थे, पास में ही एक स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, महाप्रभु की जो दिव्य उन्माद स्थिति में यही दो ही उनको संभाल पाते थे, और कोई नहीं संभाल पाएगा। जब महाप्रभु का अति उन्माद स्थिति होता था तो स्वरूप दामोदर के गायन और रामानंद के श्लोक कथा सुन करके वो व्यथा कंट्रोल कर पाते थे महाप्रभु, तो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो उन्हीं के द्वारा भी शीश कलिजुग धर्म को प्रकाश कराए श्रीमन महाप्रभु। अंतिम चैतन्य चरितामृत का अंतिम अध्याय में 20 अध्याय में लगभग बोले, सुन स्वरूप राम राय हर्षे प्रभु कहे, सुन स्वरूप राम राय कलो संकीर्तन धर्म परम उपाय, कलिजुगे धर्म संकीर्तन यही परम उपाय। कलिजुग में एकमात्र धर्म है नाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वही एकमात्र कलिजुग में, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये उनको बताए। और इतना नहीं बोले, बोले नाम साक्षात सर्व सिद्धि देता है, प्रेम देता है, कुछ ऐसा चीज नहीं जो आप चाहें आपको नौप मिल जाए उसमें से, लेकिन बोले ये तो मिल जाता, प्रेम भी प्राप्त होता, कैसे, तो उनका तरीका बताते हैं। जैसे नाम लेने से जैसे नाम लेने से प्रेम प्राप्ति है, तारा उपाय स्वन स्वरूप राम राय, जिस प्रकार नाम जप करने से प्रेम प्राप्ति होता है उसके उपाय में बताता हूं, सुनो क्या उपाय है, बड़े सुंदर भाषा में कहते हैं, वही श्लोक है, इतनादपि सुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी नाम मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक को बड़े व्याख्या करके बोले, इस प्रकार अभिमानी को निराभिमान होना पड़ेगा, उत्तम को और उत्तमति उत्तम होना पड़ेगा, किस प्रकार उत्तम बनना है, किस प्रकार निराभिमानी बनना है, किस प्रकार सहिष्णु बनना है, किस प्रकार अमानी मानद बनना है, ये 4 गुण को प्राप्त करेंगे तब जा करके इस नाम से प्रेम प्राप्ति कर पाएंगे। इस उपाय को स्वयं भगवान ने उन्हीं के द्वारा उन्हीं को ये शिक्षा दी थी, अंतिम शिक्षा में उनको दिए। तो इस प्रकार रामानंद राय तो कोई साधारण भौतिक प्राणी हमारे जैसे नहीं थे, ये तो साक्षात भगवान के ही, उनके ही पार्षद,
उन्हीं के ही चिन्मय जगत से उन्हीं के वृंदावन में साक्षात साधारणी के सखी वही विशाखा जी, तो वो केवल आए थे हम लोग को महाप्रभु के जो डिस्कशन किए 10 दिन की जो उनके वार्तालाप कथोप कथन महाप्रभु रामानंद रायक हुआ, तो पूरे भौतिक संसार में ब्रह्मा पर्यंत जितने बड़े बड़े विद्वान वो सब इसको सुन करके ज्ञान प्राप्ति करेंगे, हमसे लेकर ऊपर तक सभी के लिए फिट ज्ञान उसमें रखा गया है। और अंत में नाम प्रेम प्राप्ति तक रामानंद स्वरूप के द्वारा भगवान ने प्रकाश किए, जो जिनको जो चाहिए रामानंद से सब प्राप्त हो सकता है, सब प्राप्त हो सकता है। रामानंद ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे जिनको भगवान ने मिलने के लिए जा करके मिले, आलिंगन किए, उनके घर जबरानी 10 दिन रहे और बुलाए कि प्लीज कम एंड स्टे विथ मी, मेरा लोभ होता है आपके संग में रहने के लिए। ये ऐसे व्यक्तित्व थे। हाँ, बोलते हैं कि मैं 2-4 दिन 10 दिन 5 दिन क्या, जब तक मैं रहूंगा तो आपके संग छोड़ नहीं सकता हूं, ये महाप्रभु के मुख वाक्य श्रीमुख वाक्य है, ऐसे रामानंद के प्रति कहते थे। तो इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि रामानंद राय किसी कोटि के किसी स्तर के कितने उच्च कितने बड़े भगवत भक्त होंगे। भक्त क्या है, वो तो साक्षात भगवान जैसा ही उनके ही पार्षद है। तो इसे श्री रामानंद राय के आज अप्रकट तिथि है, ये ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि, तो हम उनके लिए क्या कर सके, जिनको भगवान जिनके संग पाने के लिए लालायित प्रार्थना करते हैं, जिन सिखाते हैं, हम केवल यही अधमाति अधम बस। अब आपने सोच लीजिए जो मांगना है, तो इस भी याद किसके उनके भर प्रणाम कर लीजिए, प्रार्थना जो करना है कर सकते हैं। श्री रामानंद राय की, श्रीमन महाप्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, इताय गौर हरि तिमानंद। आज कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन भी है। ओके बोलो। हरे कृष्ण महाराज, दर्शन प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था महाराज कि जैसे जब प्रद्युम्न मिश्र रामानंद रॉय के पास आए, तो उस समय वो बहुत ही हटीले और एक तरह से बहुत अहंकारी थे और कथा में उनका पूरा रुचि नहीं था, और देखते हम फिर किस तरह से वो सुबह से लेकर शाम हो गई कथा में बैठे रहे। लेकिन हम भी कथा सुनते हैं, 1 घंटा सुनते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं प्रसाद शुरू हो गया या फिर और कुछ सेवाएं हैं, तो कैसे कथा में और रुचि बढ़ा सकते हैं, और इसमें इस आप मार्गदर्शन सुन करके जिनका ऐसे हुआ ना उद्धार, ये उद्धार लीला सुन करके हमारा भी रुचि प्रकट हो सकता है ना, उनका रुचि जैसे आया ऐसे रुचि आ सकता है ना। ओके यस, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें प्रसंग सुनाया। तो महाराज मेरे मन में आ रहा था कि जैसे हमारे वैष्णव कैलेंडर में ऐसे ऐसे महान दिन आते हैं जिसमें ऐसे ऐसे वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव आता है, तो जैसे हम ये भी सुनते हैं शिला भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ही रीजन्स एल हु सेज वैष्णव इज डाय, वैष्णव तो हमेशा मौजूद होते हैं, आज भी हम चाहें तो रामानंद राय शिला रामानंद राय से हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे तिथियों पे महाराज ऐसे वैष्णव आचार्यों से कैसे अपना कैसे रामानंद राय को वैष्णव आचार्य वैष्णव मैं तो नहीं मानता हूँ, तो साक्षात विष्णु के राय थे उनके आचार्य, भगवान से कोई उनका कमी नहीं था। हाँ जी, ये भगवान ही समझो उनको, भगवत पार्षद भगवान ही। तो ऐसे दिनों में महाराज जैसे इतने महान व्यक्तित्व का कोई ऐसा त्योहार आता है, तो कैसे हम उनसे, आप कहना चाहते हैं कि इसी तिथि में कैसे हम उनको पालन करें, पालन कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कथा सुन करके उनके बारे में चर्चा करके। हाँ जी महाराज, तो एक तो ये, इसके अलावा दिन भर में और भी कुछ, और फिर सुनो, मैं तो अध्ययन कर सकते हैं, टेलर भी नहीं कर पाया, पूरा फिल्म बाकी है ना। धन्यवाद महाराज।
यस धन्यवाद महाराज। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि महाप्रभु जो है कि सभी पे अपना कृपा करते हैं, जैसे जगई मधाई हो गया, सब भट्टाचार्य हो गया, मगर जब बनारस में जाते हैं तो वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती के साथ नहीं मिलते हैं तो उन पर कृपा नहीं करते, ऐसा क्यों है? आप पढ़े हैं? हाँ, कुल मुला नहीं मिले प्रकाशानंद को, उधर कैसे हुआ? मतलब उन पे कृपा नहीं करते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती को कृपा नहीं करते हैं, उनको कैसे कृपा नहीं किए? भली प्रकार से कृपा किए उसको भी कृपा किए, उनको भी पूरा 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 100% चेंज कर दिए, वो भी निर्कीर्तन करके गाया नाचा पूरे हजारों सन्यासियों के साथ, अकेला नहीं है ना, ऐसा मत कर नहीं कि कौन बोला नहीं किए करके, है ना? मायावादी होते हैं ना तो। हाँ हाँ, मायावादी को तो उद्धार किए, उनका काम ही था, प्रोजेक्ट था, है ना? एक्चुअली मैं कंफ्यूज में था, तो आप नहीं जानते हैं इसलिए। ओके, और कुछ? हरे कृष्णा।